सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। पहले चरण का चुनाव निपटने के बाद अब सभी पार्टियों के दिग्गज ने एक दूसरे चरण के लिए प्रचार शुरू कर दिया है और पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों के नेताओं ने दूसरे चरण में अपने उम्मीदवारों का माहौल बनाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और सभी जिलों में शुक्रवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं देखने को मिलेंगी। उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जाएंगे। दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होगा और इसके लिए शनिवार शाम प्रचार थम जाएगा, यानी कि आज से ही प्रचार थम जाएगा। 14 तारीख को जिस चुनाव होना है दूसरे चरण का यूपी में, उसके लिए आज प्रचार थम जाएगा, जिसके लिए शाम से पहले ताबड़तोड़ सभी की रैलियां देखने को मिलेंगी। वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, सभी आज चुनावी मैदान में नजर आएंगे। जनता के बीच जाके अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, वोट की अपील करेंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो काफी अहम है दूसरे चरण का चुनाव। पहले चरण का चुनाव भी देखने को मिला, हालांकि पिछली बार से इस बार कम वोटिंग हुई, 3% वोटिंग कम देखी गई है। और अब देखना यह होगा कि जो इतना चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए जब चुनाव प्रचार के लिए दिग्गज जा रहे हैं तो सबसे पहली बात यही कह रहे हैं कि अपने मत की जो शक्ति है उसको पहचाने, वोट जरूर करें, ताकि उनके वोट के द्वारा जो वो चाहते हैं, जिसकी सरकार चाहते हैं वो बने। तो सरकार तभी बनेगी जब आप मतदान करेंगे। मतदान आप जिस सरकार को बनाना चाहते हैं, जिस मुद्दों को लेकर सरकार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका मतदान करना काफी अहम है। और दूसरे चुनाव में, यानी दूसरे जो चरण का चुनाव है, उसके लिए मतदान की जो प्रक्रिया है उसको लेकर सभी सजग नजर आ रहे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभा और जन प्रचार देखने को मिल रहा है, और ऐसे में जागरूकता के साथ साथ वोट की अपील भी की जा रही है। हालांकि सुबह सुबह पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह या कोई भी दिग्गज नेता हो, सभी का ट्वीट भी आता है जागरूक करने के लिए कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान। तो क्या जनता इसको फॉलो करेगी, क्या इसका पालन करेगी, क्योंकि 3% जो कमी आई है चुनाव में पहले चरण के, तो देखना यह होगा क्या जनता इससे सीख लेती है दूसरे चरण में, क्या पिछली बार से ज्यादा वोटिंग होती है। और आज जिस तरह से चुनाव प्रचार थमने वाला है दूसरे चरण का, तो उसको लेके क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेंगी। और आज दूसरे चरण के प्रचार के लिए जिस तरह से समय सीमा समाप्त होने वाली है, तो दिग्गज आज चुनावी मैदान में रहेंगे, जनता को संबोधित करते हुए अपनी सारी योजनाएं बताएंगे, ताकि जनता के मन में पार्टी के लिए एक जगह बना सके और साथ ही साथ मतदान के लिए प्रेरित कर सके। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्येंद्र जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। आर्येंद्र, आज कौन कौन से दिग्गज शाहजहांपुर की धरती पर दिखाई देंगे? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी है, उनका दौरा है, वो यहाँ पर आज शाहजहांपुर में ठहरे हुए हैं और जनता को लगातार जो है लुभाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 14 फरवरी के लिए मतदान होने वाला है। तो इसके लेकर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, और बात की जाए भाजपा सरकार की, तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो शाहजहांपुर जनपद की शहीदों की धरती पर उनका आगमन हुआ और जनता को लुभाने का उन्होंने काम किया है। आर्येंद्र, जिस तरह से आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बूथों की संख्या के बारे में, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो इन्होंने 2017 में एक विधानसभा जलालाबाद से सिर्फ एक मात्र सीट निकाली थी, जिसके बाद आज आपको बता दें कि 2017 में जो है भाजपा ने 6 विधानसभा में 5 सीटों से जीत हासिल की थी। और 2022 में देखना होगा कि इस बार जो है लगातार जिस तरीके से दो दिग्गज नेता उतर रहे हैं और जनता से संपर्क कर उनको वोट मांगने के लुभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस बार 6 विधानसभाओं पर जीत हासिल करने का भाजपा ने दावा किया है और इस बार जो जीत उसकी होती दिखाई दे रही, और वहीं विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी की, वो भी 6 विधानसभाओं पर जीत देखने का दावा कर रहे हैं और 6 विधानसभाओं में जीत लाने का वादा कर रहे हैं। साथ ही ये देखना होगा कि
ये आगामी विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। बिल्कुल आ रही है तो अगर बात करें बूथों की संख्या की, तो कोरोना के चलते इस बार कितने बूथ निर्धारित करे गए चुनाव के लिए और सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेंगी? देखिए अगर कोरोना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना काल के प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं है। जो जनसभाएं लगाई जा रही, रैलियां निकाली जा रही, उन्हें बिल्कुल कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं किया गया है। शासन प्रशासन से पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का यहाँ पर जो है उल्लंघन होता हुआ। अगर इस भीड़ भाड़ में अगर कोरोना का अगर खौफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शाहजहांपुर में आज कहाँ कहाँ पे रैली जनसभाएं निर्धारित है आ रही? आज शाहजहांपुर जनपद में जो है बरेली मोड़ स्थित एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के दौरान लोगों को लुभाने का काम करेंगे। साथ ही आपको बताते हैं कि जलालाबाद 132 विधानसभा में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है उनका दौरा रहेगा, जहां पर बाइक रैलियों का भी और एक जनसभा को संबोधित करने का ऐलान है। और वो यहां पर शाहजहांपुर जनपद में वो भी ठहरे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर और भी कई दिग्गज नेता हैं जो लगातार दौरा कर रहे हैं और जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। इस बार चुनावी संघर्ष है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है। जी, जिस तरह से बीजेपी और सपा की टक्कर देखने को मिल रही है प्रदेश में, तो अगर शाहजहांपुर की बात करी जाए तो वहां पे कौन कौन से प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा और सपा द्वारा? देखिए समाजवादी पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं जो पहले भी रहते हैं, हालांकि लेकिन कुछ चेंजिंग की गई है प्रत्याशियों में, क्योंकि उनके जो कार्यशैली थी वो ठीक नहीं थी, जनता के साथ व्यवहार शैली थी वो सही नहीं थी। इसी तरीके से भाजपा ने भी अपने कई दिग्गज नेताओं को टिकट काटा है कई जगहों से और कई जगहों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं, जहां पर उन्हें इस समय भारी भरकम अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव का दौर है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को अच्छी कामयाबी की तरफ देखता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं तो यहाँ पर तनवीर खान है, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं इसके बाद समाजवादी पार्टी से, और वो इस समय टिकट के भी दावेदार हैं और काफी भरकम यहाँ से जो विधानसभा गुजरौल से हैं वो इस समय कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के लिए जबरदस्त टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ शाहजहांपुर से संवाददाता आर्येंद्र जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि काफी अहम होने वाला है दूसरे चरण का मतदान, क्योंकि भाजपा सपा आमने सामने है और दोनों ने अपने दिग्गजों को बहुत सोच समझ कर उतारा है, काफी रणनीति के साथ उतारा गया है, क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसे प्रत्याशियों के टिकट काटे हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था, तो वहीं सपा ने भी कई ऐसे लोगों के, कई ऐसे प्रत्याशियों के टिकट काटे हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ सही नहीं था, जिन पे आरोप लगता आया था गलत कामों का, जिसकी वजह से उन्हें भी हटाया गया है। तो दोनों ने अपनी बहुत सोच समझ के इस बार प्रत्याशी उतारे हैं, साथ ही जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है वो भी दिलचस्प है। 14 तारीख के लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और आज प्रचार थम जाएगा। 14 फरवरी को जो वोटिंग होनी है दूसरे चरण की, उससे पहले आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो जिसके लिए सभी दिग्गज आज दूसरे चरण जाके मतदान होने हैं तो ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं करने वाले हैं। तो दूसरे चरण का मतदान है और ये काफी दिलचस्प है, कई सीटों पे मतदान होना है, 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है और ये 9 जिले काफी अहम माने जा रहे हैं। यूपी की किस्मत इन 9 जिलों पे निर्धारित करती है, ऐसे तो कई जिले हैं लेकिन ये जो 9 जिले हैं ये काफी अहम है, पूरी ताकत झोंक दी है सभी ने इस चरण के लिए। अगर बात करें दूसरे चरण के मतदान से पहले जो तैयारियां देखने को मिली हैं, वो चाहे खुद अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या खुद पीएम मोदी हो, सभी ने प्रचार प्रसार किया है और पूरी ताकत के साथ सभी प्रत्याशियों के लिए पहुंच गए हैं और प्रत्याशियों के लिए जो प्रचार की प्रक्रिया है उसमें ये देखने को मिला कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। तो दिग्गजों की जो रैली है, जो ताकत है, वो जो देखने को मिल रही है चुनावी रणभूमि में, वो आज थम जाएगी, क्योंकि आज शाम से ही जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है वो थमने वाली है। उसके बाद प्रचार प्रसार करने पे एकदम रोक होगी, दूसरे चरण के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि प्रचार नहीं कर सकेगा। और अब आज यानी कि जो प्रचार दूसरे चरण का होगा उसके बाद अब तीसरे चरण पे सभी का ध्यान होगा। 7 चरणों में मतदान हो रहा है यूपी में और ये 7ों चरण काफी अहम है और पहले चरण के मतदान में सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पक्ष में अच्छी वोटिंग हुई है, जनता ने बढ़ चढ़कर उनको समर्थन दिया है, जहां भाजपा सपा पे, सपा भाजपा पे लगातार आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीएसपी की अगर बात करी जाए तो उनके जो वोटर्स हैं
वो भी कहीं पीछे नहीं है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और मायावती जिस तरह से अब एक्टिव हो गई हैं यूपी की राजनीति में, तो ये दर्शा रहा है कि हताश नहीं होने देंगी वो भी अपने वोटरों को। लगातार जिस तरह से कई समय से दूरी बना के रखी थी, लेकिन अब जब वो वापस आ रही हैं, जनता के बीच जनसभाएं करती हुई नजर आ रही हैं, सरकारों पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। अपने पिछले जनसभा के दौरान भी उन्होंने भाजपा सपा दोनों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि सपा ने कुछ अच्छा काम नहीं किया था, बीजेपी से उम्मीद थी, लेकिन जब बीजेपी आई तो उसने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों को हटाना है और एक अच्छा विकल्प चुनना है। तो जनता से अपने लिए वोट की अपील करती हुई आई। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी की, तो उन्होंने भी लगातार सभी पे निशाना साधते हुए कहा कि सीधे तौर पे तो सरकार पर निशाना साधा, और उसके बाद उन्होंने कई बातें कही, कई मुद्दे भी उठाए। इस समय जितने भी मुद्दे हैं, वो चाहे महंगाई के हो या फिर जो है सुरक्षा के हो, और कई दावे वादे हों, तो वो भी करती हुई नजर आई हैं प्रियंका गांधी। अपनी चुनावी सभाओं से कई दावे वादे किए, सभी का मैनिफेस्टो भी सामने आ गया, सिर्फ बसपा का नहीं आया, क्योंकि बसपा ऐसा माना जाता है कि बसपा अपना जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो जारी नहीं करती है, वो काम करने में विश्वास करती है, चुनाव के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करती है। तो इसी कड़ी में बसपा की तरफ से घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन सपा कांग्रेस और भाजपा तीनों का संकल्प पत्र सामने आ गया, घोषणा पत्र सामने आ गया है, और घोषणा पत्र में कई दावे वादे किए गए हैं और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर बात करी जाए यूपी की राजनीति की, तो इसमें किसानों की अहम भूमिका है, और किसानों का जो प्रदर्शन रहा है वो पूरी दुनिया ने देखा है, क्योंकि सबसे लंबा प्रदर्शन माना जा रहा है। और किसानों का जो मुद्दा है, उनकी जो मांगे हैं, उसको लेकर सरकार को भी झुकना पड़ा, जो 3 नए कृषि कानून थे वो वापस करने पड़े। और ऐसा माना जा रहा है कि किसानों ने जो 9 महीने से ज्यादा 10 महीने से ज्यादा का जो प्रदर्शन किया था, उसकी वजह से अभी भी किसान आक्रोशित है, गुस्सा है, नाराज है सरकार से, क्योंकि कई अपनों को खोया है, और जो ठंड गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में डटे रहे किसान, लगभग 1 साल तक जो इनका प्रदर्शन चला है, और उसकी वजह से किसानों में अभी भी गुस्सा है। हालांकि कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने किसानों के हित में काम किया है, किसानों के लिए योजनाएं लेकर आई है सरकार, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ किसान समर्थन में भी है। तो वहीं सपा ने किसानों को समर्थन में लाने के लिए RLD से गठबंधन कर लिया, जयंत चौधरी को अपने साथ कर लिया, और ये कहा जा रहा है कि किसानों का समर्थन मिलेगा इस बार सरकार को। और जाट 250 जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने जब बैठक भी करी, तो ऐसा माना गया कि समर्थन बीजेपी को भी मिलता नजर आया। चाहे जयंत चौधरी सपा के साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं 250 जाट नेताओं के साथ जब अमित शाह ने बैठक करी, तो ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा खासा समर्थन बीजेपी को भी मिल रहा है। लेकिन अब किसानों का जाट का समर्थन कहां जाता है, जाटलैंड की जनता क्या निर्णय लेती है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन राजनीति चरम पर है। दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 14 फरवरी को जो चुनाव होना है, उससे पहले कई ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली, आज भी ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। और अगर बात करें बीते दिन की, तो बीते दिन भी एक साथ कई जिलों के दौरों पर रहे थे, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर अखिलेश हो। और पीएम मोदी की बात करें, तो वो तो सीधा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह के चुनाव को एक साथ निपटाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां 1 घंटे की दूरी तय करते हुए अपने चौपर से, जहां एक पल वो उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हैं, तो वहीं कुछ घंटों बाद ही वो उत्तर प्रदेश में जनता को संबोधित करते नजर आते हैं। पूरी ताकत जोश के साथ जनता के बीच नजर आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा था कि पिछले बार के चुनाव में जो योगी मोदी लहर थी, उसने जो है करिश्मा दिखाया था, लेकिन इस बार लहर कम नजर आ रही है। लेकिन इसमें कहीं ताकत झोंकने में कोई कमी ना रह जाए, तो इसके लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पूरी ताकत झोंक रहे। और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है, और शुरू से ही देखा गया है कि वो एक दिन में कई कई जिलों को संबोधित करते हैं, जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, पूरी ताकत झोंक देती है बीजेपी, अपने बड़े चेहरों को उतार देती है, ताकि जनता के मन में एक विश्वास जगा सके। जितने भी काम करे गए हैं, उसका ब्यौरा देती हुई नजर आ रही है बीजेपी, और इस ब्यौरा देने की जो पहल चल रही है, उसमें सपा भी कहीं पीछे नहीं है। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाती है, सरकार की जितनी भी नाकामी है उसको बताते हुए नजर आते हैं। और अब इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए दो
संवाददाता जुड़ रहे हैं, बिजनौर से तुषार वर्मा जुड़ रहे हैं और बदायूं से राजन पाठक जुड़ रहे हैं। तो दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरे चरण का मतदान काफी अहम है और बिजनौर में किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है तुषार, हम ये जानना चाहेंगे। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, आज क्या कुछ कार्यक्रम है तुषार? देखिए मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम को 6 बजे जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और आज बिजनौर में दो जगहें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर की 8 विधानसभा बिजनौर में 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा क्षेत्रों में से नगीना विधानसभा में और नजीबाद विधानसभा में, सॉरी नूरपुर विधानसभा में और नजीबाद विधानसभा में आज डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके लिए वोट की अपील करेंगे। जी राजन, बदायूं में आज क्या कुछ कार्यक्रम है दिग्गजों के? मैम आज बदायूं में विधानसभा कालक चौक में दरवे केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं जनसभा संबोधित करने। जी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिले बधाई 116 से ऊपर विधानसभा पे आ रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में जनसभा कालक चौक मंडी में जनसभा संबोधित करेंगे। अगर हम बात करें चुनाव तो पोलिंग बूथों पर सारी व्यवस्था कर दी गई है, कोरोना की गाइडलाइन पूरी तरह पालन की जाएगी। जी तुषार, आज जो है सपा की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेगी जनसभा को संबोधित करने के लिए, कौन उतर रहा है रण में? किसी भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी या आरएलडी गठबंधन से कोई भी नेता नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया था जिसमें काफी जनसैलाब देखने को मिला था। और मतदान की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की बात करें तो गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कराई जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अर्धसैनिक बल की 109 कंपनियां बिजनौर में पहुंच चुकी हैं, जिसमें 27,000 जवान चप्पे चप्पर पर तैनात रहेंगे और मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन एकदम जुटा हुआ है और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील कर रहा है। जी राजन, बदायूं में क्या कुछ तैयारियां दिख रही है विपक्ष की तरफ से, वो चाहे सपा हो कांग्रेस हो बसपा हो, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी जी मैम, बदायूं में 6 विधानसभा सीटें, 2017 चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। वहीं आज सपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं एक जनसभा संबोधित करने। ये चुनाव बहुत अहम है, 14 फरवरी को बदायूं में चुनाव होगा, इसी पे जो अखिलेश यादव जनसभा संबोधित कर रहे हैं वो अपने इस्लाम नगर सहजवान विधानसभा पे आ रहे हैं आज। जी कितने बजे पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष? 2 बजे मैम अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं। जी उसके बाद वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पे उनका कार्यक्रम निर्धारित होगा? उनके बाद मैं सीधे लखनऊ रवानगी उनकी। जी तुषार, और क्या कुछ जानकारी है कांग्रेस की तरफ से और बसपा की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, क्या कोई प्रत्याशी उतर रहा है? देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, उन्होंने एक वर्चुअल रैली की थी जिसमें बिजनौर की सभी विधानसभा में LED लगाकर सभी जो कार्यकर्ता हैं और जो उम्मीदवार हैं उनको वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया था। वहीं बसपा की बात की जाए तो प्रत्याशियों द्वारा लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क और रैलियां की जा रही हैं। वहीं हम इस समय मौजूद हैं बिजनौर की धामपुर विधानसभा पर, जहां पर बसपा प्रत्याशी ठाकुर मूलचंद चौहान अभी अपना रोड शो करने के लिए तैयार हो रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुट रही है। राजन, बदायूं में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनको दूर करने का दावा कर रहे सभी दल? राजन आप सुन पा रहे मेरी आवाज? तुषार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिजनौर में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निवारण करने की बात कर रहे हैं, दम भर रहे हैं सभी राजनीतिक दल? देखिए बिजनौर जनपद की पूरी बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं जगह पर कहीं कहीं विधानसभा क्षेत्रों में सड़क बिल्कुल खस्ताहाल की स्थिति में है। जी हम अगर बैराज दिल्ली और पौड़ी नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ की बिल्कुल खस्ताहाल सड़क है। योगी सरकार द्वारा अभी एक सड़क का निर्माण कराया गया था। जो भाजपा की विधायक हैं बिजनौर सदर सीट से सुची मौसम चौधरी, उनके द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया गया था जो काफी चर्चित हुई थी। उस जैसे ही उस सड़क पर नारियल फोड़ा गया था तो नारियल तो टूटा नहीं लेकिन सड़क टूट गई थी। ये मुद्दा भी काफी विपक्ष ने उठाया था। जी बिल्कुल, कौन कौन से प्रत्याशी उतारे गए हैं इस बार चुनाव में, कौन कौन से दलों के द्वारा, पूरी जानकारी चाहिए तुषार? देखिए बिजनौर जनपद में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर
जितने भी प्रत्याशी हैं टोटल 89 प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। कुल 89 प्रत्याशी यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी राजन, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी और सपा बसपा कांग्रेस कौन कौन से प्रत्याशी कौन कौन सी विधानसभा से उतारे गए हैं? मैम 117 विधानसभा से राजीव गुप्ता बब्बू भैया को उतारा गया है, शेखपुर से धर्मेंद्र शाह को उतारा गया है और बदायूं से उतारा गया है महेश चंद गुप्ता राजमंत्री पूर्व विधायक जी, और शाहजहां से डीके भारद्वाज। कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनका निवारण करने के सभी दल दावे कर रहे हैं बदायूं से? मुद्दे मैम यही है, जनता को सुरक्षा, जनता जो भी वोटिंग कर रही है सुरक्षा को लेकर कर रही है, विकास को लेकर कर रही है, जनता में का भी उसका देखने को मिल रहा है बीजेपी को जो वोट कर रही वोटिंग कर रही है जनता, उनका यही मुद्दा है सुरक्षा सफाई और विकास। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों संवाददाता का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बिजनौर से तुषार वर्मा, बदायूं से राजन पाठक जुड़े थे। तो मुद्दे बहुत है और सभी पार्टियां दम भर रहे हैं कि इस चुनाव में सभी परेशानियों का समाधान किया जाएगा और समस्याओं का निवारण किया जाएगा, सत्ता बदले ना बदले लेकिन जनता चाहती है कि उनका काम होना चाहिए, समस्या का निवारण होना चाहिए। और इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए, वो चाहे रोजगार हो, बेरोजगारी का जो मुद्दा बना हुआ है और साथ ही स्वास्थ्य सफाई, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार वोट करेगी और ईवीएम में किस्मत कैद होगी कई प्रतिनिधियों की। तो दूसरे चरण के प्रचार के लिए आज रोक लग जाएगी क्योंकि आज शाम के बाद जो है प्रचार पर एकदम रोक लगेगी। आज शाम तक की अनुमति है, सभी जितने भी दल हैं वो आज प्रचार कर सकते हैं अपने प्रतिनिधियों के लिए और वोट की अपील कर सकते हैं। कई दिग्गज जमीनी तौर पर आज उतरेंगे और अपने दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी होंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कई जनसभाएं और पीसी जयंत चौधरी के साथ करी है, ओपी राजभर के साथ भी करी है, लेकिन जयंत चौधरी को अक्सर हर जनसभा और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं साथ लेकर चलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा लेकर चल रही है सपा किसानों का। किसान मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर्स किसान है पश्चिमी यूपी में, और पश्चिमी यूपी में सेंध लगाने की पूरी कोशिश है, जाटलैंड में सेंध लगाने की पूरी कोशिश है और दूसरे चरण के मतदान के लिए भी अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो जहां एक तरफ अखिलेश जैन तो ओपी राजभर नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सभी दिग्गज नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी चुनाव है 14 तारीख को और अगर बात करी जाए राहुल प्रियंका की तो वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, उत्तराखंड में दमखम दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका मुखरता से हर एक मुद्दे को उठा रही है, सरकार को घेर रही है। बसपा सुप्रीमो भी कहीं पीछे नहीं है, मुद्दों को उठा रही है, बीती दोनों सरकारों पर निशाना साधती हुई नजर आती है और बीएसपी को एक अच्छा एक विकल्प बताती हुई नजर आती है और अपने कार्यकाल के बारे में भी बसपा प्रमुख बताती हुई नजर आती हैं। हालांकि काफी देर से एक्टिव हुई हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन जिस तरह से आज कई दिग्गज उतरेंगे जमीन पर, ये देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन कौन जमीनी स्तर पर उतर कर किन किन मुद्दों को उठाता है। और अब हमारे साथ सहारनपुर से संवाददाता सुहेल गौड़ जुड़ चुके हैं। सुहेल, सहारनपुर में भी चुनाव नजदीक है और उसको लेकर आज क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ये दूसरे चरण का मतदान होना है 14 फरवरी को, और इसी को लेकर जो है सहारनपुर के अंदर जो है चुनाव की तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। आज शाम 6 बजे जो है दूसरे चरण का प्रचार प्रसार रोक दिया जाएगा, और उसी को लेकर अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के अंदर भी आज शाम 6 बजे किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार जो है उसके बाद नहीं हो पाएगा। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के अंदर 7 विधानसभा सीटों से जो है 71 प्रत्याशी अपनी किस्मतों को आजमाएंगे, और उसी को लेकर जो है अपने 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 क्षेत्रों में जो है प्रत्याशियों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। बात करें वरिष्ठ नेताओं की तो कल ही पार्टी अध्यक्ष जो है एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर के अंदर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था और उसमें शिरकत की। उसी के साथ जो है जयंत चौधरी ने भी सहारनपुर के अंदर जो है एक जनसभा का आयोजन किया था और उसमें शिरकत की थी। जी सुहेल, बीजेपी की तरफ से कौन से दिग्गज उतारे गए अभी तक सहारनपुर की धरती पर प्रचार?
जी देखिए, बीजेपी की बात करें तो अभी हाल ही में जो है कुछ दिन पूर्व अमित शाह जो है गृह मंत्री सहारनपुर के अंदर आए थे और उन्होंने जो है महाविद्यालय शाकुंभर महाविद्यालय का जो है शिलान्यास किया था। इसके बाद बात करें तो अभी 10 तारीख में अभी परसों ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की एक विशाल जनसभा सहारनपुर में आयोजित की और उन्होंने जो है यहाँ पर जो है बीजेपी के समर्थन में वोट मांगा। जी, और अगर बात करी जाए कांग्रेस और बसपा की तो कांग्रेस और बसपा की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? शिका, आपको बता दूं कि आज सहारनपुर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा जो है दो तीन विधानसभा क्षेत्र में जो है वो अपनी जनसभा को आयोजित किया गया है, रैली करेंगे। जी, सहारनपुर की बेहट विधानसभा नंबर एक विधानसभा सीट में जो है वो शाकुंभर क्षेत्र में नागल माफी के अंदर एक 1:30 बजे जनसभा का आयोजन है जहां पर वो शिरकत करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो रामपुर और गंगो और जो है देवबंद विधानसभा के लिए जो है बड़गांव थाना क्षेत्र में उनका एक जो है रैली का आयोजन किया गया है जहां पर 2:20 पर वो शिरकत करेंगे। जी शिखा जी, सुहेल अगर बात करी जाए टक्कर की तो किसकी टक्कर देखने को मिल रही है सहारनपुर में, कौन कौन से प्रत्याशी आमने सामने है? देखिए, बात करें तो यहाँ पर जो है गठबंधन प्रत्याशी हैं और साथ में बीजेपी की टक्कर जो है मुख्य रूप से देखी जा रही है। 6 विधानसभाओं का हाल तो यही है कि जहाँ पर जो है सपा और सीधे सीधे बीजेपी की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन एक विधानसभा पर जो है त्रिकोणीय सूत्र बन रहे हैं जहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट भी जो है अपना जो है जोर आजमा रहा है। जी, इसी के साथ बात करें तो सहारनपुर के अंदर क्या उनकी कुछ उम्मीद है, क्या वो कोई सीट अपने कब्जे में ला पाएंगी? देखिए, एएमआईएम के प्रत्याशी यहाँ पर सहारनपुर के अंदर अगर बात की जाए तो दो तीन विशाल जनसभा रैलियां जो है ओवैसी के द्वारा सहारनपुर के अंदर की गई, लेकिन ये तो पसंद नापसंद तो देखिए जनता के ऊपर है, मतदाताओं के ऊपर है, वो किसे जिताने का काम करेंगे। लेकिन जो सीधी सीधी टक्कर कही जा सकती है वो बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशियों की सहारनपुर के अंदर रहेगी। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने भी जो है अपना प्रत्याशी सहारनपुर में जो है उतारा है आजाद समाज पार्टी से, लेकिन सीधे सीधे टक्कर जो है गठबंधन प्रत्याशी और बीजेपी की सांसद की लड़ाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सहारनपुर से संवाददाता सुहेल गौर जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि टक्कर तो बीजेपी और सपा के बीच में ही है जैसे पूरे प्रदेश में है, लेकिन एआईएमआईएम के द्वारा जो एआईएमएम चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनके द्वारा जो जनसभा की गई, अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो उनके ऊपर भी काफी असर पड़ सकता है। और ऐसा माना जाता है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहां से भी उतरते हैं वहां से फायदा बीजेपी को होता है, विपक्ष इस बात को हमेशा से उठाता आया है। तो वहीं जयंत चौधरी और सपा यानी दोनों का जो गठबंधन देखने को मिल रहा है तो वो भी करिश्मा कर सकता है, क्योंकि किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं और सहारनपुर किसानों का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है, काफी अच्छा वोट बैंक देखने को मिलता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। 14 फरवरी यानी सोमवार से राज्य में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। अब विद्यार्थियों को भौतिक रूप से कक्षाओं में पढ़ने आना होगा, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। जबकि आदेश में प्रदेश के जिम को भी खोलने का फैसला लिया गया है, हालांकि स्विमिंग पूल वाटर पार्क बंद रहेंगे। हाल ही में ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए प्रदेश के जिम स्विमिंग पूल समेत तमाम गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी पूरे उपस्थिति के साथ काम कर सकेंगे। तो कोरोना की पाबंदियों के बीच अब छूट मिल रही है, जहां कोरोना की वजह से और साथ ही सर्दियों की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया था। पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए और अब कल से नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे, सरकारी हो निजी हो, स्कूलों को खोल दिया जाएगा, अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजहर, जिस तरह से कोरोना की जो रफ्तार है उस पे लगाम लगता दिख रहा है और अब ये फैसला सामने आया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया जाएगा, किस तरह देखते हैं? देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, तो वहीं अब देश के अलग अलग राज्यों में चरणबद्ध तरीके से
सभी राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिली है, तो वहीं अगर बीती 7 फरवरी को बात करें तो लगभग क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक, 9 से लेकर क्लास 12 तक के सभी जो क्लासेस थे उनको आने की अनुमति दी गई थी, सभी छात्रों को आने की अनुमति दी गई थी। वहीं कल देर रात ACS होम अमृत अवस्थी ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अब 14 फरवरी से जो तमाम नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के जो छात्र हैं वो पहुंचेंगे। तो इसके अलावा अभिभावक भी कहीं ना कहीं ये चीज चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया 2 साल में बच्चों की पढ़ाई पे किस तरह से इफेक्ट पड़ा है, तो उसके बाद जो अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन मोड से हो, फिजिकल क्लासेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो क्लासेस थी उसमें तरीके से पढ़ाई और ऑनलाइन एग्जाम्स में उस तरीके से निष्पक्ष जो एग्जाम्स वो नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जाम्स को भी लेकर अभिभावकों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि रिजल्ट जब आए हैं, जब चाहे वो क्लास 9 के हैं क्लास 10 के रिजल्ट हो, साल 2021 की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों में अभिभावकों में नाराजगी थी, और वो ऑनलाइन प्रक्रिया जो एजुकेशन प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो असंतुष्ट नजर आए, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे कि पूरी तरह शिक्षित थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोरोना में कमी देखने को मिली है सरकार ने ये आदेश भी जारी किया। और इसके अलावा चाहे वो जिम हो चाहे वो सरकारी या प्राइवेट दफ्तर हो, वो भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे और तमाम तरीके से, लेकिन इसके अलावा जो चाहे वो स्कूल की बात की जाए या प्राइवेट दफ्तरों की या सरकारी दफ्तरों की या जिम की भी बात की जाए, तो पूरी तरह से सैनिटाइज होने के बाद वहाँ पे कोविड डेस्क भी बनाई जाएगी और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि दूसरी लहर में किस तरह से कोरोना ने अपना भयावह रूप दिखाया। और वही बात अगर करें थर्ड वेव की, तो फिलहाल इतना ज्यादा उसका प्रकोप नहीं बढ़ा, लेकिन एहतियातन सरकार ने पूरी तरह से जो दिशा निर्देश थे वो जारी कर दिए थे, और फिर भी नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया था। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से कोरोना की अब रफ्तार कम होती नजर आ रही है, सरकार ने पूरी तरह से सभी चीजें चरणबद्ध तरीके से खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। जी सर, छोटी क्लासेस तो स्टार्ट हो ही रही हैं अब कल से, और बड़ी क्लासेस हो चुकी है, कॉलेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार जो बोर्ड परीक्षा होगी, अब उसमें कितना असर देखने को मिलेगा कोरोना का, क्योंकि पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में सीधा असर देखने को मिला था कोरोना का, तो इस बार क्या सुगमता से परीक्षाएं हो पाएंगी, क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल शिखा, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से अगर पिछले साल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो कोरोना का प्रकोप था वो काफी ज्यादा था, और लोग काफी ज्यादा संक्रमित, गंभीर रूप से संक्रमित हो रहे थे। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए, तो अगर संक्रमण रेट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हालात जो थे वो काफी स्थिर थे, और इतना ज्यादा इतनी जो स्थिति थी वो इतनी गंभीर नहीं हुई थी। तो वही बात अगर बोर्ड एग्जाम्स की करें, तो बोर्ड एग्जाम्स भी पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ होंगे, हेल्प डेस्क के बनाने के बाद कॉलेज में पूरी तरह सैनिटाइजिंग, और पूरी तरीके से एक क्लास में जो 50% क्षमता के साथ बच्चे बैठेंगे, ऑल्टरनेटिव वे में बच्चे बैठेंगे, और इसके अलावा भी तमाम तरह के जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन किया जाएगा। क्योंकि जब देखा गया है 2021 की बात करें, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी संक्रमण देखने को मिला था, लेकिन वो स्थिति अब इस बार नहीं होगी, और वैसे भी कोरोना की जो रफ्तार है वो काफी धीमी पड़ चुकी है, तो अब इस बार वैसी स्थिति बनने की जो चीजें हैं वो नजर नहीं आ रही। जी सर, अगर बात करें 18 प्लस के वैक्सीनेशन की, तो कितना आंकड़ा पहुंच गया है प्रदेश और देश में? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से अगर देखा गया कि 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन था वो लगातार अब पूरा ही हो चुका है, लेकिन कुछ अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। लेकिन अगर 15 से 18 साल के बीच की बात की जाए, तो वो भी काफी लोग बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन करा रहे हैं, और स्कूलों में भी जो छात्र हैं अभिभावक भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसको लेके, वैक्सीनेशन को लेके, तो कहीं ना कहीं 30-40% तक के जो वैक्सीनेशन है वो कार्य हो चुके हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, तो वहां पर जो टीनेजर्स वैक्सीन है उसमें काफी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन शहरी इलाके जो है वहां पे लोग जिस तरीके से जागरूक हैं, और जिस तरीके से तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेके, कोरोना गाइडलाइंस को लेके वो काफी जागरूक हैं, तो कहीं ना कहीं जो शहरी इलाके हैं उसके बनिस्बत जो अगर देखा जाए ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन जो है, टीनेजर्स वैक्सीनेशन जो है वो काफी कम देखने को मिला है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े हुए थे। तो एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, वो चाहे बच्चे हो या फिर उनके अभिभावक हो, कल से स्कूल खुल रहे हैं, छोटी कक्षाओं के स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि जो अभिभावक थे उनके मन में सिर्फ एक ही परेशानी थी कि बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है, अब इसका भी समाधान सामने आ गया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।